Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of cancer, that is carcinogenesis or molecular basis of cancer. ये cancer हम लोगों ने पढ़ा, अब ये cancer कैसे होता है, इसका mechanism क्या है, उसका molecular basis क्या है, वो हम आज देख लेते हैं. इसी के मॉलिकुलर बेसिस को अपन कार्सिनोजेनेसिस या ऑन्कोजेनेसिस कहते हैं. तो देखिए, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है. जेनेटिक इंजरी जो है वो इनहेरिटेड हो सकती है जर्म लाइन के द्वारा, या एक्वायर्ड हो सकती है, भाई सोमैटिक सेल में ही हुई होगी, एक्वायर्ड किया होगा लाइफ ड्यूरेशन के दौरान, या आपने कोई पेरेंट्स के जर्म लाइन से इनहेरिट की होगी. तो दो तरह का इसकी ग्रोथ हो सकती है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड. ट्यूमर्स मोनोक्लोनल होते हैं, मतलब एक ही सेल से ओरिजिनेट होते हैं. सिंगल जेनेटिकली ऑल्टर्ड प्रोजेनिटर सेल की प्रोजेनी होती है कैंसर सेल्स, मतलब सिंगल जो प्रोजेनिटर सेल, मतलब जो इसकी मदर सेल है वहाँ से ये प्रोजेनी यानी उसकी डॉटर सेल्स बनती जा रही होती हैं. कार्सिनोजेनेसिस, जिसको अपन ऑन्कोजेनेसिस भी कहते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर होता है, मतलब ट्यूमर जिस मैकेनिज्म से ओरिजिनेट हो रहा है उसको अपन ऑन्कोजेनेसिस या कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं. लिटरेचर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर का है, जो वो ये कहता है कि कंटिन्यूस इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा होता है रैपिड पेस, जिसको जो कि दैट इट इज़ ईजी टू गेट लॉस्ट इन द ग्रोइंग फॉरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. हालांकि ठीक है, इसके ऊपर स्टडी कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, पर फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं, इसका ट्रीटमेंट हम अभी अच्छे से ढूंढ नहीं पाए हैं. पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कार्सिनोजेनेसिस को समझने के लिए कि कार्सिनोजन क्या होते हैं और इन कार्सिनोजन का कैंसर में रोल क्या होता है. तो देखिए, कार्सिनोजन्स वो सबस्टांसेस होते हैं जो कैंसर को कॉज करवाते हैं, या कैंसर इंसिडेंस में इंक्रीज को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं. मोस्ट कैंसर्स का जो कॉज है वो तो हमें पता ही नहीं होता, पर अधिकतर जो कैंसर्स है ऐसा माना जाता है कि वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, कोई एक ओरिजिन उनका नहीं है, उनके बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं. कॉमन कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो है वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस के अंदर अपन उसको पहचान रहे थे, जैसे अनआइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं जो कि प्रोबेबली 95% कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको अभी तक अपन ने आइडेंटिफाई ही नहीं किया. एनवायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अभी तक पता तक नहीं है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं. पर खैर, जो हमें नहीं पता उन्हें तो हम छोड़ें, जो हमें पता है हम उसकी स्टडी करें. तो कार्सिनोजेनेसिस जो है वो जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मल सेल के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन की वजह से देखने को मिल रहा होता है, यानी म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, और एक से ज़्यादा म्यूटेशन जो है वो ज़रूरी होता है कार्सिनोजेनेसिस को कॉज करवाने के लिए. किसी एक म्यूटेशन की वजह से नहीं होता कैंसर, एक से ज़्यादा म्यूटेशन जब हो रहे होते हैं तो कैंसर कॉज होता है, क्योंकि इस म्यूटेशन के, इस तरह के म्यूटेशंस की वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लगता है और बॉडी के अंदर सेल का जो है वो इवोल्यूशन होने लग जाता है, तो इसके द्वारा कैंसर कॉज हो जाता है. जीन का म्यूटेशन ही सेल डिवीज़न में मेन वाइटल रोल प्ले करता है. जीन रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस का अगर म्यूटेशन हो जाए, एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ का म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन से क्या होगा, फिर सेल डेथ हो नहीं पाएगी. सेल डेथ नहीं होगी तो मतलब जो नई नई सेल बनती जा रही है वो मर नहीं रही पुरानी वाली, तो इकट्ठी हो रही है हमारी सेल में, जो कैंसर का कारण बन सकती है. या डीएनए रिपेयर जो जीन होता है, हो सकता है उसमें म्यूटेशन हो जाए, तो विल कॉज अ सेल टू लूज कंट्रोल ऑफ इट्स प्रोलिफरेशन. तो फिर सेल में प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं रह जाएगा. कैंसर फंडामेंटली एक डिजीज़ है जिसमें टिश्यू ग्रोथ का डिसरेगुलेशन देखने को मिलता है, यानी टिश्यू ग्रोथ बिना रेगुलेशन के चलती जा रही है, उसको कोई रेगुलेट कर ही नहीं रहा. लार्ज स्केल का म्यूटेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें किसी क्रोमोसोम का कोई पोर्शन या तो डिलीट हो गया या कोई एक्स्ट्रा जुड़ गया, या हो सकता है उसमें जीनोमिक एम्प्लीफिकेशन हो गया. जब सेल के अंदर ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती है, 20 या 20 से ज़्यादा कॉपीज़,
तब भी देखने को मिल सकता है कैंसर। जीनोमिक एम्प्लीफिकेशन में क्रोमोसोम ऑल्टर्ड हो जाता है जिसकी वजह से जीन की कॉपीज का नंबर बढ़ जाता है। सोमैटिक कुछ सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर जीन बताया गया है, ये MYC HSR रीजन, ERBB रीजन ब्रेस्ट में, ओवेरियन कैंसर के अंदर होता है। तो ये रीजन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जीनोमिक एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो कैंसर कॉज हो जाता है। इसके अलावा क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ये सारे टर्म्स अपन ने पढ़े थे, मैंने जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया ना ट्रांसलोकेशन। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 का ट्रांसलोकेशन हो जाता है जिससे कि क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया हो जाता है, क्योंकि BCR-ABL फ्यूज़न प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है जो कि ऑन्कोजेनिक टायरोसिन काइनेज है एक तरह का, तो वो कैंसर कॉज कर देता है। इसके अलावा स्मॉल स्केल के म्यूटेशंस भी होते हैं, ये सब तो लार्ज स्केल के थे। स्मॉल स्केल में जैसे पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन, इंसर्शन। पॉइंट म्यूटेशन में तो केवल एक पॉइंट जो है वो बदल जाता है, और डिलीशन में कोई एक चीज़ हट गई, इंसर्शन में कोई एक चीज़ जुड़ गई। ये म्यूटेशन पढ़ा था ना अपन ने। पॉइंट म्यूटेशन RS फैमिली के जीन के अंदर देखने को मिल रहा होता है। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो ह्यूमन ट्यूमर में है उसकी कॉमन एबनॉर्मेलिटी RS जीन का पॉइंट म्यूटेशन होना। 15 से 20% सभी ह्यूमन ट्यूमर जो है वो इस RS प्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक एडिनो का, कॉलेनजियो का, माइलॉइड ल्यूकीमिया, लंग कैंसर वगैरह, इसमें RAS के प्रोटीन पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है RAS का, ब्लॉक्ड इन म्यूटेंट RAS। तो ये पूरी लेयर दिखाई गई है जिसमें ग्रोथ फैक्टर दिखा रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर जो है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर आकर के बाइंड हो रहा है, बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ एक्टिवेट हो रहा है जो कि इनएक्टिव RAS को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक्टिव RAS के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। GDP जो है वो टूट रही है, GTP जुड़ रही है वगैरह चेंजेस आ रहे हैं, और ये सब क्या करेंगे, MAP काइनेस पाथवे को एक्टिवेट कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो जाएगा, सेल साइकिल प्रोग्रेस कर जाएगी, और इस तरह से म्यूटेशन होता है। तो ये पूरा जेनेटिक मैकेनिज्म बताया गया है। तो ये कार्सिनोजेनेसिस का बेस है, ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग पोर्शन अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कार्सिनोजेनेसिस एक्चुअली कैसे चलता है। इसमें तो अपन ने कार्सिनोजेंस पढ़ा है। इसके अलावा मैं आपको ये और बता दूँ, कार्सिनोजेंस 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल जैसे टेम्परेचर, pH, हीट वगैरह जो हैं, या रेडिएशंस वगैरह जो होती है वो कैंसर कॉज करती हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। रेडिएशंस में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रे, एक्स रे, बीटा रे, गामा रे, ये सारी सारी रेज जो है वो कैंसर कॉज करती हैं। केमिकल के अंदर जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट्स वगैरह और भी कई सारे, कुछ डाइज हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ जेल्स हैं, जेलीज हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। एरोमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। और बायोलॉजिकल के अंदर वायरस आते हैं, DNA वायरस भी और RNA वायरस भी। RNA वायरस का एग्जांपल रिट्रोवायरस है, DNA वायरस का एग्जांपल एडिनो वायरस, HIV का को भी आपने पढ़ रखा है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वगैरह, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब कार्सिनोजेंस है, यानी कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स हैं। तो बस आज के लिए अब इतना काफ़ी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।